हेलो स्टूडेंट्स बेटा, जो चैप्टर में स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन, इसकी सेकंड एग्जांपल बेटा। एन इंजन ऑफ मास 100 मीट्रिक टन इज कपल टू एंड पुल ए कैरिज ऑफ मास 50 मीट्रिक टन। मास ऑफ इंजन कितना दिया होगा बेटा? मास ऑफ इंजन 100 मीट्रिक टन, मास ऑफ कैरिज 50 मीट्रिक टन। तब मास ऑफ द होल ट्रेन कितना होगा बेटा? हंड्रेड प्लस 50 इंटू 1000 किलोग्राम, ओके 150 किलोग्राम हो गया बेटा। इफ द इंजन एक्सर्ट ए कॉन्स्टेंट फोर्स, देखो ये बेटा इंजन हो गया, ये बेटा कैरिज, ओके यहां पे फोर्स एग्जर्ट द इंजन। इफ द इंजन एग्जर्ट ए कॉन्स्टेंट फोर्स, कितनी बेटा मास इनटू एस, किसके इक्वल बेटा? 6000 किलोग्राम वेट, मींस जी न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू जी न्यूटन, मास 15000, ओके इंटू एक्सीलरेशन। तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा मेरे पास, एफ इक्वल टू 6g/50, ओके क्यों क्या बना बेटा? 3g/5 m/s² स्क्वायर आ गया बेटा, ओके मेरे पास g की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 150 का बेटा, तो कितना होगा बेटा यहाँ पे? g/25 m/s², ओके यहां तक हो गया बेटा। आगे फाइंड द टेंशन इन द कपलिंग, इसमें बेटा कितनी टेंशन है? जब ये इंजन इसको खींच रहा है तो इसमें जो इसके वेट के लिए जहां पे टेंशन कितनी है इस कपलिंग में? देयर बीइंग नो रेजिस्टेंस, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये टेंशन निकालनी है। तो टेंशन इस तरह कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो कोई रिजल्टेंट फोर्स ही लगेगी। तो टेंशन किसके इक्वल है बेटा? इसका कैरिज का मास कितना बेटा? 50 × 1000 किलोग्राम, ये चेंज कर लिए इंटू एक्सीलरेशन g/25, तो मेरे पास कितना है? 2000 g/n। क्लियर है बेटा? ये है टेंशन। देखो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया था रिजल्टेंट फोर्स निकाली थी, तो यहाँ पे क्या ओनली टेंशन निकालनी है, नो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कोई मैं रिजल्टेंट फोर्स नहीं ली। देखो मास ऑफ द इंजन, मास और मास ऑफ द होल ट्रेन, यहाँ पे इसमें दिया है भी कॉन्स्टेंट फोर्स कितनी लग रही है? 6000 g/kg, 1 kg वेट g/n। तो मैंने यहाँ पे एफ निकाल लिया, तो हमने क्या निकालनी है? टेंशन इन दिस, क्या है तो कपलिंग में टेंशन निकाल लिया, तो ये इंजन इसको खींच रहा है, तो इसके कितना टेंशन लग रही है इस पे कपलिंग में? तो मास इनटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखियो बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है? एन इंजन एंड ट्रेन वेट 200 मीट्रिक टन। इंजन एंड ट्रेन का वेट दिया हुआ है बेटा, वेट ऑफ होल ट्रेन 2000 × 1000 g, क्योंकि वेट की बना बेटा मास होता है m, तो यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे क्या आ गया? वेट। एन इंजन कैन एक्सर्ट ए पुल, कितना बेटा? 5 मीट्रिक टन। फाइंड द टेंशन इन द कपलिंग इफ द इंजन अलोन वेट, इंजन का वेट कितना है? वेट ऑफ इंजन कितना बेटा? 60 मीट्रिक टन, 1000 g, ओके तो ये आ गया बेटा। तो वेट ऑफ ट्रेन कितना हुआ? वेट उसका 200 था ना, 60 − 140 × 1000 g। तो अब यहां पे पढ़ते हैं, इसे क्या है? इंजन कैन एक्सर्ट ए पुल 5 मीट्रिक टन, द रेजिस्टेंस बी इक्वल टू 10 kg/t। तो फर्स्ट
बेटा टेंशन कभी निकालनी है ना हमने, देखो ये है बेटा इंजन, ये क्या बेटा ट्रेन, यहां पे हमने टेंशन निकाली, ये तो बात की बात है। पहले हम यहां पे देखते हैं इंजन ने कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है बेटा, 5 मीट्रिक टन वेट, 1000 सॉरी मीट्रिक टन 1000 g न्यूटन आ गया बेटा, 1 मीट्रिक टन वेट था ना, किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट जी न्यूटन, तो मैंने ये लिख लिया बेटा। 1 मीट्रिक टन कितना है, 1000 किलोग्राम, किलोग्राम वेट तो कितना हुआ जी न्यूटन। रेजिस्टेंस देखो बेटा 10 किलोग्राम पर टन, ठीक है हमें ये दिया हुआ बेटा कितना होल वेट कितना है, तो कितना है रेजिस्टेंस 10 × 200 × 200, ठीक है जी, क्यों इसने क्या कहा बेटा 10 किलोग्राम पर टन, तो कितने टन क्या है बेटा होल ट्रेन 200 g, तो मेरे पास ये आ गया बेटा कितना हुआ 2000 g। ओके देखो दिया ना रेजिस्टेंस भी इक्वल टू 10 किलोग्राम पर टन, अपने इसका कितना था 200 टन था, तो मेरे पास कितना हुआ 2000 g आ गया बेटा। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स कितनी हुई, रिजल्टेंट फोर्स एफ माइनस आर कितना हुआ बेटा 3000 g आ गया। 3000 g किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सीलरेशन, 200 × 1000 × एक्सीलरेशन, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, एफ मेरे पास कितना है 3/200 m/s². ओके मेरे पास ये आ गया बेटा कितना 3/200 × 3g/200 m/s². अब हमने टेंशन फाइंड करनी है, ये तो एक्सीलरेशन फाइंड कर ली, हमें क्या फाइंड करनी है टेंशन। तो इसने कहा इसके ऑपोजिट रेजिस्टेंस लग रहा है बेटा, देखो लास्ट एग्जांपल में नो रेजिस्टेंस, यहां पे क्या लग रहा है रेजिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा टेंशन माइनस रेजिस्टेंस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, टी इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है बेटा 2000 g प्लस मास कितना है बेटा इस ट्रेन का 140 × 1000 g इनटू एक्सीलरेशन 3g/200। ओके मेरे पास ये आ गया बेटा, तो मेरे पास क्या है बेटा देखो कैंसल 770, तो 2000 g प्लस कितना हुआ बेटा 2100 g, तो मेरे पास बन गया 4100 g न्यूटन आ गया बेटा। तो इसी को होती हुई है 2000, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द होल ट्रेन, रेजिस्टेंस की गलती होगी बेटा मुझसे, क्यों रेजिस्टेंस किसका लगना है ट्रेन का, ट्रेन का कितना बेटा 140, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था बेटा 10 किलोग्राम पर 10, बेटा यहाँ पे गलती है मेरी, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस किसका लग रहा है बेटा ट्रेन का, तो ट्रेन का रेजिस्टेंस कितना है 10 × 140 g, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 1400, तो 1400 g, क्लियर है ना बेटा। पहले तो हमने ओल्ड ट्रेन का देखा है जो इंजन एग्जर्ट कर रहा है फोर्स ओल्ड ट्रेन का, अब हमने किसका टेंशन निकाली है यहाँ पे, तो किसकी देखनी है ट्रेन की, तो कितना है बेटा 3500 g न्यूटन। ओके तो ये थी बेटा 3 2 एग्जांपल, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा बेटा, सो थैंक यू वेरी मच।